तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नया YouTube चैनल है और वो सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा, अगर आप चाहते हैं कि वो सर्च लिस्ट में आए और वो टॉप में शो हो, तो बिल्कुल एक पॉसिबल है और वो तुरंत ही हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सिंपली आपको बताता हूँ उसके लिए क्या करना है जिससे आपका जो YouTube चैनल है वो सर्च लिस्ट में आ जाए। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन करिए। ओपन करने के बाद 3 जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे उसको क्लिक करना है आपने। तो मैं 3 डॉट पे पहले क्लिक कर लेता हूँ, दिख रहा होगा 3 डॉट। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। सो सिंपली दिख रहा होगा डेस्कटॉप मोड, इसको आपने एनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप एनेबल करने के बाद आपको youtube.com सर्च करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा आपके राइट हैंड साइड में, एक छोटा सा प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपने उसको क्लिक करना है। सो हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूअर चैनल पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूअर चैनल, तो यूअर चैनल पे क्लिक कर लेना है। सिंपली यूअर चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा, कस्टमाइज चैनल। सो इसको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल अपने मोबाइल के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं छोटा सा, बिल्कुल इसको ऊपर क्लिक करना है। सिंपली हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक चैनल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं चैनल का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। सो हम क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कीवर्ड्स, यहाँ पे जो कीवर्ड का एक बॉक्स बना हुआ है इसमें अपने चैनल का नाम डालना है और तोड़ तोड़ के डालना है। जैसे मेरे चैनल का नाम है शॉर्ट फैक्ट 2, तो मैंने शॉर्ट फैक्ट 2 डाला, ये नया चैनल है, तो मैंने अभी जस्ट अभी कल परसों ही बनाया है। और इसमें आपने सिर्फ कीवर्ड डालने हैं, जितने भी आपके चैनल के जो भी नाम है वो तोड़ तोड़ के आपने लिखना है। ऐसा करिए, पहले एक बार शॉर्ट फैक्ट 2 लिख लीजिए, फिर शॉर्ट लिखिए अलग से, फैक्ट अलग से लिखिए, ऐसे कर करके आपने कीवर्ड डालने हैं। कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन मिलेगा एनेबल यहाँ पे, तो मेरा जो यहाँ पे मैंने कर रखा हुआ है इसलिए यहाँ पे एनेबल नहीं है। तो आप जब इसको कीवर्ड डालेंगे तो सेव पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कुछ करना नहीं है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल को सर्च करना है और वो सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।